ओके, तो है आज का सर। जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको चूज किया है, एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ये क्वेश्चन कंप्लीटली हमारे सब्जेक्ट के टॉपिक से, मतलब सब्जेक्ट के नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्जाम में ये कंप्लीटली पूछा जा सकता है। बहुत चांसेस हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं अगर आप क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाएंगे अपने मैनेजमेंट को वर्क करने के लिए, मैनेजमेंट के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। अगर आप यू नो क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाएंगे तो उसका उसके क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोना स्टार्ट। आकांक्षा ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लेट्स होप कि जल्दी ही ज्वाइन कर ले। स्टार्ट करते हैं फिर। सो एग्जीक्यूटिव्स एट ऑल लेवल्स इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री केम अक्रॉस द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग एट एवरी स्टेज इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज। सभी को पता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स प्रोवाइड द एग्जीक्यूटिव विद साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनहांस इट्स एबिलिटी टू मेक लॉन्ग रेंज प्लान्स एंड टू सॉल्व एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद ग्रेट एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। काफी सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं, बट सिंपल सी जो बात है वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, टॉप लेवल, हाईर लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल, या उसके बाद जो एम्प्लॉइज भी होते हैं, उनको भी मैनेज करने के लिए आपको कई सारे जो है डिसीजन वगैरह लेने होंगे, है ना? तो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है तो आप थोड़े असमंजस्य में होते हैं कि जो आप डिसीजन लेंगे उनका आउटकम क्या निकलेगा, सही निकलेगा, गलत निकलेगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ऐसा डिसीजन, इसको लेकर के आप काफी ज्यादा दुविधा में होते हैं, राइट? लेकिन आपके पास अगर उन डिसीजंस को लेने का एक ग्राउंड होगा तो उसके बेसिस पे आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मोस्टली सही ही निकलेगा। वो ग्राउंड आपको कौन देता है, वो ग्राउंड आपको कौन प्रोवाइड करता है, वो ग्राउंड आपको प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। जब आप किसी डेटा को क्वांटिफाई करते हैं, उसमें टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और उस डेटा के बेसिस पे जब आप डिसीजन लेते हैं, जैसे कि सपोज आपको रॉ मटेरियल चाहिए अगले महीने, आपको सपोज प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल आपको कितना चाहिए ये आपको डिसीजन लेना है। तो ये आप अचानक से तो ले नहीं सकते, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना का आवश्यकता है? तो उसके उसके लिए आप क्या करेंगे, जो पिछले महीने आपको जितना जरूरत पड़ा था या तो आप उतना ही मंगवाएंगे या उससे थोड़ा सा ज्यादा मंगवाएंगे। उसके लिए आपको जो पुराना क्वांटिटेटिव डेटा है वो आपको देखना होगा, समझना होगा, ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पे बोली गई है कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो आपको हेल्प करता है इन टेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन, वेदर इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म और वेदर इट इज रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटी। दोनों तरह के केसेस में आपको जो है हेल्प मिलती है जब आप क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करते हैं, ठीक है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बराबर प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक बेसिस जिसके बेसिस पे आप जो है डिसीजन ले पाते हैं, और जो आपका लॉन्ग रन है या फिर शॉर्ट रन में जो भी यू नो एक्टिविटीज करनी है उसके जो भी डिसीजन आपको लेने हैं उसको लेने में आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंसली आप ले सकते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ ले सकते हैं, और एफिशिएंसी भी जो है वो काफी ज्यादा होती है, बिकॉज आपको पता होता है कि जो आउटकम है वो ऐसा निकल सकता है, ठीक है ना? यस लेट अस नाउ ऑल्सो लुक एट सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसको जब हम स्टडी करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग जब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा टेक्निक क्या होता है, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है। तो जब हम उसका इस्तेमाल क्वांटिटेटिव डेटा को प्रोसेस करने के लिए करेंगे, जो उसका रिजल्ट निकल करके आएगा, उसका क्या क्या फायदा होगा, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इन फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेटनेस, है ना, कि आप श्योर रहोगे कि नहीं इतना तो होगा ही होगा। अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस हर साल 10% करके ग्रो कर रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर भी 10% या उससे ज्यादा ही ग्रो करेगा, है ना? तो जो एक डेफिनेटनेस आ जाती है, एक एब्सोल्यूटनेस आ जाती है कि नहीं वो चीज तो होना ही है ना? कई बार हालांकि उल्टा भी पड़ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस होता है कि अगर पिछले साल आपने जैसा परफॉर्म किया है अगले साल आप उससे अच्छा ही परफॉर्म करोगे, राइट? तो डेफिनेटनेस आती है। द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस इन प्रेजेंटिंग जनरल स्टेटमेंट इन अ प्रिसाइज एंड डेफिनेट फॉर्म। जो आप स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे बाय डूइंग दिस स्टैटिस्टिकल यू नो टेक्निक्स, जो डेटा निकल करके आता है वो डेफिनेट होगा, है ना, और प्रिसाइज होगा। डेटा तो बहुत सारा होता है, लेकिन सारा डेटा को तो हमको नहीं चाहिए, हमको बस चाहिए हमारे काम का जो है, जो इन्फॉर्मेशन है मुझे वो चाहिए, मुझे रॉ डेटा नहीं चाहिए। तो जो डेफिनेटनेस होती है वो आपको मिलती है जब आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको प्रिसाइज फॉर्म में डेटा जो है मिल पाता है जो कि डेफिनेट होता है, सही होता है। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स कन्वेड न्यूमेरिकली आर मोर प्रिसाइज एंड कन्विंसिंग देन दोज स्टेटेड क्वालिटेटिवली। ये मैंने पहले भी बोला है कि डेटा को अगर आप क्वालिटी के हिसाब से उसको अगर आप डिटरमाइन करेंगे तो आपको समझ समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि क्वालिटी आपको सिर्फ क्वालिटी बताती है, क्वांटिटी नहीं बताती। और यस
बिजनेस में क्वांटिटी का होना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वांटिटी क्वांटिफाई करना बहुत जरूरी है अपने डेटा को। अगर आप उसको क्वांटिफाई नहीं करेंगे तो आप चीजों को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, है ना, इस तरीके से। सो वो चीज जो है आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया था स्टेटमेंट दैट लिटरेसी रेट हैज लिटरेसी रेट एज पर 1991 का जो सेंसस हुआ था 36% था कंपेयर टू द 29% ऑफ 1971 का सेंसस। 1971 में जो सेंसस हुआ वो था 29%। आप बोल सकते हो उस टाइम पे लिटरेसी थे इंडिया में, लोग पढ़े लिखे थे, 29% पढ़े लिखे थे। लेकिन 1981 जो कि हर 10 साल में होता है, 11 साल में होता है, वहां पे जो डेटा निकल करके आता है वहां आपको पता चलता है कि जो डेटा है वो बढ़ रहा है। लिटरेसी जो 29% था वो बढ़ करके 36% हो गया, है ना। तो ये जो डेटा है आपको समझ में आएगा, इसमें एक डेफिनेटनेस आपको नजर आएगी कि नहीं यही जो है सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज किया गया है। सेंसस इज मोर हाँ कन्विंसिंग देन स्टेटिंग सिंपली द लिटरेसी इन आर कंट्री कंट्री हैज इंक्रीज। एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए कि आपका जो डेटा है, जो लिटरेसी रेट है, वो इंडिया में बढ़ रहा है, इससे क्या मुझे समझ में आया कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा? बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उससे हो नहीं। सकता है। लेकिन जब आप उसको क्वांटिफाई कर देंगे, जब आप उसको क्वांटिटी में बताएंगे कि चलो पिछले बार 29% था, इस बार 36% है, दैट इज मोर कन्विंसिंग, दैट इज मोर अंडरस्टैंडेबल, कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये है सिचुएशन। तो डेफिनेटनेस निकल करके आती है व्हेन यू एक्चुअली क्वांटिफाई द डेटा फॉर मैनेजरियल यूज। मैनेजरियल यूज में, मैनेजरियल एक्टिविटीज में, यू नो, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्वांटिफाई करना चीजों को बहुत जरूरी है। तो इसका एक पहला पॉइंट हो। दूसरा है कंडेंसेशन। द न्यू डेटा इज ऑफन वाइडली एंड अनवाइडली एंड कॉम्प्लेक्स। जो नया डेटा होता है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वहां से इंफॉर्मेशन आप आसानी से निकाल नहीं सकते। एक तो आप उसको टेबल में पहले सजाइए, टेबल में सजाना भी एक स्टेटिस्टिकल मैथड है। सजाने के बाद आप उसको आप प्रोसेस कीजिए, मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन निकालना है उसके जो भी फॉर्मूला है उसको निकालने का फॉर्मूला बैठा करके उन डेटा को बैठाइए, तो आपका आंसर जो है देखने को मिलेगा। तो जो जो नया डेटा होता है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड इज टू सिंप्लीफाई लार्ज मास ऑफ डेटा एंड टू प्रेजेंट अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर फ्रॉम देम, है ना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेटा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप उन डेटा के ऊपर डिफरेंट फॉर्मूलाज का, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस डेटा में से आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप निकाल ले रहे हैं। जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए तो आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ना। आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, है ना, वो निकालना होगा। किसी का सैलरी निकालना है, सैलरी सपोज दिया हुआ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉफिट वगैरह सब दिया हुआ है, लेकिन सैलरी नहीं दिया हुआ। लेकिन सैलरी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको बाकी सारी चीजें भी निकालनी पड़ेगी। वहां पे आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आपने एसिड टेस्ट रेशियो का नाम सुना होगा, है ना। बहुत तरह के रेशियोज हम लोग करते थे जब हम लोग 11th 12th में थे, तो उन सब का नाम सुना होगा। वो रेशियोज का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता था, उन फॉर्मूलाज पे आपको बैठाना है और आंसर निकल के आ जाएगा। हालांकि स्टैटिस्टिकल मेथड अकाउंटिंग वाला फॉर्मूला से अलग होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो देखने में ही थोड़ा डरावना होता है। तो कोई नहीं, मीनिंग अगर आप समझेंगे सिग्मा, है ना, डेविएशन वगैरह होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सबका अलग अलग, यू नो, साइन है। सिग्मा का साइन है, तो वो सब अगर समझेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अगर आप डिटेल्स को बैठाएंगे, डेटा को बैठाएंगे, तो वहां से आपको जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आ जाएगा, सही जानकारी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म अ प्रिसाइज आइडियल अबाउट द इनकम पोजीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेटा ऑफ इंडिविजुअल इनकम। किसी एक आदमी के इंडिविजुअल इनकम के जरिए आप ये पता नहीं कर सकते कि पूरे इंडिया में लोगों का इनकम कितना है। द डेटा मे हाँ बी बराबर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर प्रिसाइजली इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना। पर इसको यहाँ कैपिटा पे हम लोग पर कैपिटा इनकम निकाल करके, जो पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है कि हर एक बंदे का इनकम कितना है, वो एवरेज कितना निकाला है। जाता है। एक्चुअली वो श्योर नहीं होता कि उस बंदा वो बंदा उतना ही कमा रहा है, पर जो हमारा जीडीपी है, जो टोटल जो जीडीपी आता है, जीडीपी से आपको जो है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को डिवाइड करना टोटल होता है। हाँ, क्या, पॉपुलेशन से डिवाइड, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना सर। हाँ, पर कैपिटा इनकम जो है आपका निकल करके आ जाएगा। तो ये जो हाँ फॉर्मूला है, ये सारा क्या है, ये सारा स्टेटिस्टिकल मेथड्स वाला फॉर्मूला है। हालांकि ये भी कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो हम बहुत आसानी से बोल गए, उसमें बहुत सारा ये चीज सॉरी ऐड सर। होगा, माइनस होगा, है ना, काफी सारी चीजें हैं। तो कंडेंसेशन का एक बेनिफिट है इसके क्वांटिफाई करने का। तीसरा कंपैरिजन है, तो डेफिनेटली डेटा अगर कंपेरेबल नहीं होगा तो वो डेटा डेटा है ही नहीं। डेटा को कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। जैसा कि मैं पिछले पिछले क्लास में जो भी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन शाम में, वहां पे भी था कि डेटा कंपेरेबल होना चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आप
अपने बिजनेस को क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में लिखते हैं, तो उसके जरिए आप अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल का इतना प्रॉफिट था, इस साल का इतना है, पिछले महीने इतना का सेल बराबर हुआ था, इस साल का इतना सेल है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसे चल रहा है। तो वो एक बेनिफिट है, यहाँ पे फायदा है ना, हम लोग एडवांटेज ही कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बॉडिंग, एक बंदे का नाम बड़ा अच्छा है, बॉडिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू एनेबल कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट रिजल्ट्स विद अ व्यू ऑफ एसरटेनिंग द रीजंस फॉर चेंज व्हिच हैव टेकन प्लेस एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन द फ्यूचर। ठीक है, सो बॉडिंग के अकॉर्डिंग, बॉडिंग जो है वो बंदा कहता है उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जो उसका उद्देश्य है वो ये है कि जो डेटा है उसका पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म को आप आपस में कंपेयर कर पाए और आप ये पता लगा पाए कि जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, जो रीजन ऑफ चेंज है, रीजन फॉर चेंज है, वो आपको पता चल पाए। और अगर वो रीजन ऑफ चेंज अगर बरकरार रहे तो आने वाले समय में आपके आपका जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में कैसा होगा, क्या आपको जो है देखने को मिलेगा फ्यूचर में आपका बिजनेस, अगर आप वो सारे रीजन एग्जिस्ट करते हैं तो, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बॉर्डिंग ये आपका है, सिंपल सी बात है कि कंपैरिजन होना चाहिए। और कंपैरिजन हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग कंपैरिजन तभी करते हैं जब हम लोग को पता करना होता है कि अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या ज्यादा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये पता करने के लिए कंपैरिजन किया जाता है ना। तो जब आपको पता चल जाएगा तो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो चलो इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, अगर ये फायदा हो रहा है इस चीज की वजह से तो उस चीज को हम ज्यादा करेंगे ताकि आने वाले समय में और ज्यादा फायदा हो, है ना, इस तरीके से। Thus, if one wants to appreciate the significance of figures, then he must compare them with the other of same time, है ना? अगर आपको figures को significance को निकालना है, अगर आपको ये पता करना है कि ये कंपनी आज इतना का प्रॉफिट की है, इसका सिग्निफिकेंट अगर लोगों को समझाना है तो आपको ये भी बताना होगा कि साथ ही साथ कि जब ये कंपनी 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी तो इसका प्रॉफिट मात्र इतना ही था, तो लोगों को सुन करके लगेगा कि नहीं भाई कंपनी ने कुछ अचीव किया है। 10 साल पहले जिसका सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है सालाना। वो सिग्निफिकेंस लोगों को तभी बिल्कुल समझ में आएगा जब आप कंपेयर करेंगे, है ना, वो बात यहाँ पे बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल, यस द स्टेटमेंट पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज कंसिडरेबली, पर कैपिटा इनकम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, साल दर साल हम लोग का बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा है, बढ़ रहा है। शैल नॉट बी मीनिंगफुल अनलेस सम कंपैरिजन ऑफ फिगर इन द पास्ट इज मेड, लेकिन ये कंपैरिजन आपको तभी, अब जैसे कि 10 साल या 15 साल पहले जो पर कैपिटा इनकम था मे बी वो 60,000 रुपए था, अभी के टाइम पे वो 75-84,000 रुपीज के आसपास है ना। तो अभी के टाइम पे जो यस 84 है, इसका सिग्निफिकेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछले टाइम को सोचेंगे। जैसे कि कई बार बोला जाता है ना कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपको तो कंपेयर करना होगा कि आपके टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस है और पिछले टाइम पे कितना परफॉर्मेंस था। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो डेफिनेटली पिछली वाली गवर्नमेंट ने अच्छा किया या आपने अच्छा किया, है ना। कंपेरिजन का होना बहुत जरूरी है, वही बात यहाँ पे बोली गई कि कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा और डेटा में कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बात है, दिस विल हेल्प इन ड्रॉइंग कंक्लूजन एज टू वेदर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इज इम्प्रूविंग। अब इसके जरिए हमें पता चल पाएगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर पिछले टाइम 75,000 रुपए लोग कमा रहे थे और इस बार 95,000 या 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने में, तो डेफिनेटली थोड़ा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ होगा, लेकिन महंगाई भी साथ में बढ़ती है। महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इकोनॉमिक्स का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, जब हम लोग स्टेटिस्टिक्स वगैरह बनाते हैं इकोनॉमिक्स में भी काफी यूज होता है। इन्फ्लेशन एक वर्ड का एक तरह का चैप्टर है जहाँ पे मुद्रास्फीति जो प्राइसेस हैं उसके बारे में बताया जाता है कि आपके पास जो पैसे हैं अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो पैसा आपका बर्बाद होता जाएगा, क्योंकि हर महीने हर साल तकरीबन 6% के हिसाब से जो है महंगाई बढ़ रहा है। जो चीज आपको इस साल बिल्कुल 100 रुपए में मिलेगा, अगले साल वो 106 रुपए में मिलेगा। हो सकता है कि अगले साल वो 106 रुपए 100 रुपए में ही मिले, लेकिन देखना कि जो क्वांटिटी है, सपोज आप 100 ग्राम अभी खा रहे थे, 100 ग्राम आपको मिल रहा था 100 रुपए में, तो वो घट करके 90 ग्राम हो जाएगा, 100 रुपए में ही मिलेगा लेकिन 90 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, प्राइसेस, महंगाई भी जो है वो भी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, एक्चुअली साथ में चलते रहता है, और ये तो बात सर है। ये पर कैपिटा इनकम जो है ये मंथली मतलब कैलकुलेट होता है या ईयरली? नहीं, ईयरली 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 मंथली पॉसिबल नहीं है, ईयरली जो आपका टोटल जीडीपी होगा उसमें से बहुत सारा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी वगैरह आपको माइनस करना है, जो बाहर से जो फॉरेन एड आता है, जो पैसा भेजते हैं बाहर के, हमारे देश के लोग जो बाहर से पैसा भेजते हैं वो ऐड होगा आपका, फिर जाकर के जो है आपका पर कैप इससे माइनस होगा, डिवाइड होगा जो है वैल्यू। काफी सारा तो जो कैलकुलेशन है, भी मतलब इजी कैलकुलेशन नहीं है, वैल्यू आएगा काफी सारा। ईयरली आएगा
जी जो भी इसका वैल्यू आएगा ईयरली आएगा ना। हाँ ईयरली आएगा, ईयरली आएगा, जो भी कैलकुलेट होता है मोस्टली वो ईयरली ही होता है, कई बार मंथली होता है, जब बिजनेस बड़ा हो जाता है ना तो उसको लोग मंथली या क्वार्टरली करने लगते हैं, मंथली तो बहुत कम होता है, क्वार्टरली होता है, 3 महीने का निकाला जाता है जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, तीन क्योंकि अगर आप तीन तीन महीने में महीने नहीं निकालेंगे तो इतना ट्रांजेक्शन होता है उन लोगों का कि साल भर का एक साथ में निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता, वो चीज हाँ है। चौथा है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो जो पिछला जो पॉइंट था कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के बाद जो डेटा निकल करके आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज ही करेंगे, उन डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक पॉलिसी तैयार करेंगे कि चलो लॉस अगर हो रहा है तो मैंने पता कर लिया कि इसलिए लॉस हो रहा है तो इस काम को मुझे नहीं करना है, अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैंने पता कर लिया कि इसलिए फायदा हो रहा है तो इस काम को मुझे ज्यादा करना है, तो मैं पॉलिसी तैयार कर लूंगा उस चीज के रिगार्डिंग, है ना। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी अगला अच्छा पॉइंट है हमारा। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अ बेसिक मटेरियल फॉर फ्रेमिंग पॉलिसीज नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ इन अदर फील्ड्स, ठीक है ना। तो जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है उसके बेसिस पे पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं, ना ही सिर्फ बेसिस में बिजनेस में बल्कि बाकी सारे फील्ड्स में भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑन बर्थ एंड मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी मतलब जो डेथ होता है, मोर्टैलिटी रेट नॉट ओनली हेल्प्स इन असेसिंग फ्यूचर ग्रोथ इन पॉपुलेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी डेटा फॉर फ्रेमिंग अ स्कीम ऑफ फैमिली प्लानिंग, है ना। मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होते हैं लेकिन किसी बीमारी की वजह से या किसी चीज की वजह से आने वाले समय में उनका जो है डेथ हो जाता है, तो ये डेटा के बेसिस पे आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपका जो पॉपुलेशन है वो 10 साल में या 15 साल में कितना देखने को मिलेगा, ये जो डेटा है आपका निकल करके आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे। जैसे इंडिया में अभी जो पॉलिसी चल रही है, पर हालांकि कोई नियम नहीं है लेकिन बोला जाता है हम दो हमारे दो, इसको लेकर के कोई सख्त नियम नहीं है कि आपको दो ही करना है, दो ही बच्चे लेने हैं उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, लेकिन चाइना में ये नियम लग गया था, चाइना में अभी रिसेंटली ये नियम हटा है कि हम दो हमारे एक वाला वहां था, वहां एक ही बच्चा आप ले सकते थे, एक से ज्यादा नहीं ले सकते, अभी वो नियम लेकिन हट गया है क्योंकि वहां का जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बूढ़ा हो गया है, अब बूढ़े लोगों से तो आप काम करवा नहीं सकते, तो वहां पे जो ये नियम था उसको हटा दिया गया। इंडिया में ऐसा कोई नियम नहीं है, हम दो हमारे दो वाला ही नियम चलता है, लेकिन वो जनरल है, उसके लिए कोई कानून नहीं है कि आपको उसको मानना ही पड़ेगा, किसी किसी स्टेट में कानून लगाया गया है मंत्रियों के लिए अच्छा कि आप अगर एक से ज्यादा करोगे तो आपको सरकारी बेनिफिट नहीं मिलेगा या दो से ज्यादा करोगे तो आपको सरकारी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस तरह का चीज अभी चल रहा है कुछ कुछ स्टेट्स में, हर जगह नहीं है, लेकिन नॉर्मल पब्लिक के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो इस डेटा के बेसिस पे आप फ्यूचर ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का वो आप पता कर सकते हो, ठीक है। पांचवा पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब जो ये पॉलिसी मैंने बना लिया, अब उसके बेसिस पे आप हाइपोथेसिस कर सकते हो, आप जो ये गेस कर रहे हो कि आने वाले समय में मेरा जो पॉपुलेशन है वो 200 बिलियन होगा, राइट 2 बिलियन होगा, सॉरी 200 बिलियन नहीं 2 बिलियन होगा, तो वो किस बेसिस पे होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स है ना किशन, आकांक्षा आपने भी ज्वाइन किया आई गेस, कब ज्वाइन किया मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला, लिंक मैं हालांकि शेयर कर दूंगा उसको यूट्यूब पे, ये जो पॉइंट्स है ये ना सारे के सारे एक लाइन में है, अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे आप आराम से इसको लिख पाएंगे, डेफिनेटनेस, कंडेंसेशन, कंपैरिजन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी और एंड पांचवा पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तभी बनेगा जब आप पॉलिसीज बना लोगे, हालांकि पॉलिसीज बनाने के पहले भी हाइपोथेसिस होता है, रिसर्च होता है, पर इसको समझने के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये पांचवा पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पॉलिसीज बन गई उसके बाद आप उसके ऊपर जो है हाइपोथेसिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पॉपुलेशन होगा वो कैसा होगा, राइट। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस और एजम्पशन और स्टेटमेंट एंड डेवलप न्यू थ्योरीज, है ना। ये जो मेथड्स हैं इसके जरिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो, आप अपना एजम्पशन क्रिएट कर सकते हो कि आने वाले समय में इतना पॉपुलेशन होगा, या कोई स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हो, और ये नया थ्योरीज आप डेवलप कर सकते हो कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, ठीक है। हालांकि सब कुछ गेस्ड ही होगा, ऐसा नहीं कि वैसा ही होने वाला है, एग्जैक्ट फिगर एक्चुअल चीज कुछ भी हो सकता है, बट आप एक हाइपोथेसिस कर सकते, हाइपोथेसिस का मतलब ही होता है कि आप कुछ सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर आप फिर स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके आप उसको चेक करने की कोशिश करोगे कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो नल है या नल नहीं है, अगर नल होगा तो सही है, जो आपने बोला वही ठीक है, अगर कुछ अलग निकला, वेरी निकला, इसका मतलब कुछ जो है डिफरेंट आने वाला है, कुछ जो है डिफरेंट आपका है,
ठीक है, तो वो है फॉर यस एग्जाम्पल द हाइपोथेसिस। यहाँ पे देखो हाइपोथेसिस इसको बोलेंगे, वेदर अ स्टूडेंट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या किसी स्टूडेंट को किसी एक पर्टिकुलर मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन से कुछ फायदा है या नहीं। जैसे कि मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, जो मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होता है जिससे समझाया जाता है, अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो क्या आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, या मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादा फायदा हो रहा है। ये एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। कैन बी टेस्टेड बाई जी यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल मैथड। आप यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स का यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि जो आउटकम निकल रहा है मेरे हिंदी में पढ़ाने का या मेरे इंग्लिश में पढ़ाने का, उसका क्या निकल करके आ रहा है। तो दिस इज वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये देना रहे। अच्छा, आप लोग एक चीज गेस आप लोग देख रहे होंगे कि हर एक जो पॉइंट में कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर दिया जा रहा है। जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक आंसर कम से कम ऐड करें, और आखिर में आंसर को कंक्लूड करना है, खत्म करना है, कंक्लूजन कंक्लूड देना है। करने का बड़ा किशन क्या? कंक्लूजन देना जरूरी है सर। हाँ, कंक्लूड करना है, खत्म करना है कि भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हो सर रहा है। पहले पॉइंट पे डिफाइन करना, उसके बाद लास्ट में कंक्लूड करना है ना सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वैसे ही बिल्कुल। स्टार्टिंग में ओके ओवरव्यू दे सर। दीजिए, थोड़ा सा आंसर को लिखने का वही तरीका है कि जो पूछा जा रहा है उसका छोटा सा ओवरव्यू दे दीजिए, समझा दीजिए, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए बढ़िया से, पॉइंट्स में एक्सप्लेन कीजिए या पैराग्राफ बना के एक्सप्लेन कीजिए, करने के बाद फिर आप उसको कंक्लूड कर दीजिए। सिंपल, ठीक ओके है। सर। छठा पॉइंट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन भी कर सकते प्रेडिक्शन, हैं, प्रिडिक्शन किया जा सकता है। अभी जो हम लोग हाइपोथेसिस कर रहे हैं वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन ही कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन एक अलग से पॉइंट बताया गया है। प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि जो पुराना डेटा है उसके बेसिस पे आप आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। तो ये एक वन ऑफ द एडवांटेज है कि आपको डेटा से ये पता बात जो है पता चल जाती है। फॉर फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज और प्लान एंड देन फॉर इम्प्लीमेंटेशन इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, है ना। जो फ्यूचर ट्रेंड्स है उसका नॉलेज होना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे जो है आप अपना पॉलिसी को एक तरीके से चेक करके फ्रेम करके आप अपने पॉलिसी बनाओगे, और आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आने वाले समय में जो है ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है। ठीक है, स्टेटिस्टिकल मेथड्स आर हाईली यूजफुल फॉरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। स्टेटिस्टिकल मेथड्स काफी यूजफुल है, काफी ज्यादा यूज किया जाता है फ्यूचर इवेंट्स को फॉरकास्ट करने में। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो जीडीपी है वो आने वाले समय में 10-20 सालों में हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी होंगे, हम लोग अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। ये हम लोग किस बेसिस पे बोलते हैं, हवा में तो बात करते नहीं है। इसके बेसिस पे हम नहीं इसके लिए सब हमारा क्या है, स्टेटिस्टिकल मेथड्स का बिल्कुल यूज होता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि आप कंपेरिजन करते हैं खुद को चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, जो हमारा जीडीपी है वो ग्रोथ कैसा कर रहा है। जैसे इंडिया अभी जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है इंडिया का ही है, तकरीबन 15-16% जो है कोविड के पहले था। कोविड के बाद से सबका बंटाधार हो गया, किसी का कुछ नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी हम लोग ग्रो अच्छा कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग ग्रो करते रहेंगे तो आने वाले समय में 15-20 सालों में या 2050 तक बोला जाता है कि दुनिया के हम लोग सबसे बड़े सुपर पावर होंगे। अभी अमेरिका है, उस टाइम पे हम लोग होंगे, क्योंकि वहां जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। अभी डेवलपमेंट का सारा स्कोप इंडिया में है। तो आप लोगों के पास भी अगर पैसे हो, इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप पैसों को इन्वेस्ट करके रखिए। बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो उसको इन्वेस्ट करके रखिए बराबर शेयर में। हाँ कहिए। शेयर में डाल के अच्छा रखता है ऐसा, एसआईपी वगैरह करके। अच्छा हाँ, SIP बेस्ट है। शेयर में डालने से क्या है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हालांकि अगर आप वही लॉन्ग ना, टर्म सोच करके इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी शेयर लेकर के, अच्छा शेयर लेकर के आप उसको भूल जाइए कि आपने कितने पैसे लगाए हैं, तो हर महीने थोड़े थोड़े करके जमा करते रहिए। या तो आप SIP कर सकते हैं। SIP में क्या है कि कोई टेंशन नहीं है, आपको बस पैसा देना है, मैनेज वही लोग करेगा। टाटा वगैरह का शेयर है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल कंपनी का बिल्कुल। नहीं लेना चाहिए, है ना। ब्रांडेड हाँ कंपनी रहता है ठीक अच्छा, रहता है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट बाकी वगैरह करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। हम लोगों का भी टाई अप है एक्चुअली एंजल ब्रोकिंग के साथ। मैं बता ही देता हूँ, अच्छा। एंजल ब्रोकिंग के साथ टाई अप है, आप चाहें तो वहां पे कर सकते हैं। हालांकि वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अकाउंट ओपन करेंगे। आप अगर हमारे लिंक से करेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो है ओपन हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, कोई अलग से चार्जेस नहीं है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें फिर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फिर उसको जो है शेयर में, म्यूचुअल फंड में, या SGB एक चीज होता है किशन, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। कई लोग होते हैं ना कि गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड वहां से नहीं खरीद करके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेपर गोल्ड ले लीजिए। क्योंकि अगर आप मार्केट से गोल्ड खरीदेंगे ना तो क्या होगा कि उस गोल्ड के ऊपर आपको मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा,
है ना, और उस गोल्ड का कोई वैल्यू सुपर नहीं है, मतलब जो है वही है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर आप पेपर गोल्ड लेते हैं जिसको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो जो है सेल करे बॉन्ड्स को, और उन बॉन्ड्स का पैसा गवर्नमेंट को मिले, ताकि उस गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है उस बॉन्ड के पैसे को इस्तेमाल करे इंडिया की इकोनॉमी को और बेहतर करने में। ठीक है, तो वो जो एसजीपी होता है उस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। आप अगर ऐसे मार्केट में गोल्ड लेंगे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हालांकि वो फिजिकल गोल्ड होगा, इंटरेस्टिंग ये जो गोल्ड है ये पेपर गोल्ड है। नहीं ठीक है, तो ये अलग फिजिकल। अलग इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कि किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट करना अभी के टाइम में बहुत जरूरी है। अब बैंक में पैसा रखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, 3% 4% ज्यादा से ज्यादा 6-7% कुछ कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, कुछ कुछ बैंक ही हैं जो दे रहे हैं, मोस्टली सबका जो है 3% से ज्यादा कोई नहीं देता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो कम से कम आपको साल का 15% तो आराम से मिल जाएगा। कोई अगर 1 लाख रुपए जमा कर रहा है तो 15,000 रुपए कम से कम तो उसको मिलने ही है। मैंने खुद देखा है, मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है मुझे वहां दिखता है कि कैसे ग्रो कर रहे हैं, काफी बढ़िया है। कितना कुछ भी जो भी आपके पास पॉकेट मनी में जो भी बच जाए, सेविंग्स जो भी आपके पास है, उसको बैंक में नहीं रख करके आप उसको वहां कर दीजिए। शेयर्स अगर खरीदिएगा तो 200-300 रुपए में अच्छे अच्छे कंपनीज के शेयर्स हैं। आपके पास अगर 1,000 रुपए हैं तो 200 रुपए का 5 शेयर खरीद लीजिए, है ना, इस तरीके से काम करता है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट है, जितना आप चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर कराइएगा, SIP अगर कराइएगा म्यूचुअल फंड में, तो उसमें क्या होगा कि हर महीने 500 रुपए 1,000 रुपए आपका जो है कट जाएगा अकाउंट से, वो अपना जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। आपको बस उसको ट्रैक करना है कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हालांकि म्यूचुअल फंड को उतना ट्रैक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो मैनेज करते हैं दूसरे वालों, जो तो फंड मैनेजर होता है वो मैनेज कर रहा होता है, तो वो अच्छा ही मैनेज करता है। अगर कभी करना रहे तो मैं मुझे बताइएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। ओके ठीक है, सर, ओके। ओके मेरा मैम, तो वैसे कोई सर ग्रो डाउट। चालू है, जी जी मेरा जो है ना ग्रो चालू है। ग्रो में करते हैं आप? हाँ हाँ, ग्रो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ग्रो तो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा 2-3 साल से चालू है। हाँ सही है सही है सही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बैंक में पैसा रख के वेस्ट होगा वो, और कुछ नहीं होगा। जो पैसा अभी 1 लाख का है ना, वो अगले महीने अगले साल जाकर के 1 लाख ही रहेगा। लेकिन 1 लाख रुपए के जो सामान आप अभी आप किसी सामान को खरीद रहे हैं अगर 1 लाख रुपए में, तो आने वाले समय में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, आपके पैसे का वैल्यू घट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसलिए बैंक में नहीं रखना चाहिए। खैर, तो प्रिडिक्शन वॉज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं, इसको एंड कर देता हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर अ बिजनेस डिसाइडेड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एन आइटम शुड बी प्रोड्यूस इन अ करेंट ईयर, इट इज नेसेसरी फॉर हिम टू एनालाइज द सेल्स डेटा ऑफ द पास्ट ईयर। ठीक है, प्रिडिक्शन में वही है कि आपको ये पता करना है कि इस साल में कितना प्रोड्यूस करना है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का डेटा देखना पड़ेगा कि पिछला साल आपने कितना प्रोड्यूस किया था। आपने जितना किया था इस साल आपको उससे ज्यादा ही करना होगा, कम से कम 5% या 10% 20% आपको ज्यादा ही करना होगा, क्योंकि आपको पता है कितना का सेल हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। थोड़ा लंबा लेक्चर था बट अच्छा था। ये हाँ सर, PDF मैंने हालांकि ग्रुप में शेयर कर दिया है। एक चीज और बता देता हूँ कि जो मैंने PDF शेयर किया है क्वेश्चन आकांक्षा, ये सफिशियंट है, एग्जाम में आप आराम से पास कर जाएंगे, मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा। एक पेपर मैं और सेंड करूंगा, जो जून का जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर अभी तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। इसका आंसर जो है मैं आपको अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तीन चीज जो मैंने अभी आपको भेजा है, तीन नहीं दो चीज, ये जो मैंने अभी आपको PDF शेयर किया है, ये PDF प्लस एक और PDF शेयर करूंगा जो कि जून के क्वेश्चन का सॉल्व होगा, वो दोनों आप लोग आराम ओके से कर सर। लीजिएगा, सफिशियंट है इस सर पेपर और को क्वालिफाई करने। एग्जामिनेशन, सर एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया क्या दिसंबर का? अभी नहीं, अभी नहीं आया है, अभी टाइम है। नहीं आया सर। ओके सर। सर और असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट 30 सितंबर है ना? हाँ फिलहाल तो वही है, बट वो एक्सटेंड होगा, वो फॉर श्योर एक्सटेंड होगा। एडमिशन ओपन एक्चुअली कॉन्टिन्यूस एक्सटेंड हो रहा है, 10 सितंबर लास्ट डेट, मतलब आज 10 ही है ना शायद, यस हाँ सर। आज 10 है, तो आज लास्ट डेट है एडमिशन का। मतलब एडमिशन का लास्ट डेट जनरली 31st ऑफ अगस्त होता है, मोस्टली बढ़ा बढ़ा करके वो लोग 31st ऑफ अगस्त तक लेकर के आते हैं, उसको भी बढ़ा करके 10 सितंबर कर दिए हैं। जब एडमिशन का डेट बढ़ रहा है तो असाइनमेंट सबमिशन का भी डेट आराम से बढ़ेगा, कम से कम 1 महीना तो बढ़ना ही है। ठीक है, पर फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए कि 31st तक ही जो है कंप्लीट हो जाए। हाँ ठीक है, सर, ओके। ओके गाइज।
ठीक है देन, अगले क्लास में मिलते हैं आज शाम में, मोस्ट प्रोबेबली 8 साढ़े 8 बजे से क्लास करते हैं अगला। ओके सर, यस यस ठीक है। और आप लोग का आज फीस भी ड्यू हो गया है, सो अगर आप लोग पे कर सकते हैं तो पे कर दीजिएगा। हाँ हाँ ओके सर, ओके गाइस, ठीक है देन ओके शाम में मिलते हैं, ओके सर, मैसेज कर थैंक दूंगा यू, मैं व्हाट्सएप में। ओके ओके बाय। बाय।